नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा दसवीं से पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आजमी साहब, जिन्होंने ये जो कविता है वो फिल्म हकीकत में एक गाने के रूप में लिखी थी। और वो जो फिल्म हकीकत है वो 1962 में यानी 1962 में जो भारत का चाइना के साथ चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जो हमारे सेना के वीरों ने जो बहादुरी दिखाई, जो वीरता दिखाई, उससे प्रेरित होकर कैफी आजमी साहब ने एक गाने के रूप में ये कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। और फिल्म हकीकत का ये जो गाना है वो बहुत ही सबको पसंद आया था। अभी कक्षा दसवीं में यहाँ पे कविता के रूप में है तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे कर चले हम फिदा। इस शीर्षक के अंदर जो ये फिदा शब्द है, फिदा का मतलब होता है न्योछावर करना, मतलब अपना जो सब कुछ है वो भारत माता के लिए, इस देश के लिए न्योछावर कर देना। तो यहाँ मैं जो कविता है वो पढ़ूंगा, उसकी दो दो पंक्तियां आपको समझाता जाऊंगा और आप समझते जाना। एक बात याद रखनी है कि इस कविता की जो पृष्ठभूमि है, मतलब ये किससे जुड़ी हुई कविता है, तो आपको मैंने बताया कि 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था उस समय हमारे वीरों ने, हमारे सैनिकों ने जो वीरता दिखाई उससे प्रेरित होकर कैफी आजमी साहब ने ये गाने के रूप में लिखा था और इसको फिल्माया भी गया फिल्म हकीकत के अंदर। तो आज हम यहाँ इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पहली जो दो पंक्तियां हैं इसका कहने का मतलब जो है मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको बताया इसके अंदर जो फिदा शब्द आया है इसका मतलब होता है अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, अपने देश के ऊपर वार देना। तो यहाँ पहली दो लाइन का जो मतलब है ये है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, यानी हम सब कुछ फिदा कर चुके हैं, न्योछावर कर चुके हैं, जान और तन, जान मतलब हमारा जो जीव है वो, और तन मतलब शरीर, यानी शरीर के साथ हमारे अंदर जो जान है, जीव है, वो भी हमने न्योछावर कर दिया। किसके लिए? भारत माता की रक्षा के लिए। और यहाँ साथियों शब्दों का प्रयोग किया है, साथियों मतलब हम सब भारतवासी, तो साथियों हम लोगों को कहा गया है, भारतवासियों को, भारत के युवा धन को कहा गया है। इसलिए यहाँ सैनिकों ने अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाले, हवाले का मतलब होता है सौंपना, हवाला जो है उसका मतलब होता है सौंपना। यानी ये जो धरती माता है, ये भारत माता है, उसको अब भारतवासियों के हवाले, मतलब हम सब के हवाले सौंप कर वो अब जा रहे हैं। यानी उन्होंने अपना जो जान और तन दोनों भारत माता के हवाले न्योछावर कर दिया है। तो इस पहली दो पंक्तियों का मतलब आप समझ गए कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो वतन है अब आपके हवाले है, आपके मतलब भारतवासियों के हवाले है। दूसरी दो लाइनें हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यानी
कि जो ये सांस, हमारी जो सांस है जिसको लेके हम जिंदा रहते हैं, सांस थमती गई, यानी सैनिक जो है जब युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, उस समय जब वो घायल हुए तो वो कह रहे हैं कि हमारी सांस जो है वो थमती गई, रुकती गई, नब्ज जमती गई। नब्ज मतलब नाड़ी, नस, नब्ज का मतलब होता है नाड़ी, जो हमारी वेंस है, नस है उसको। तो यहाँ सैनिकों ने कहा कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी जो हमारी सांस है वो रुकने लगी है और हमारी जो नसें हैं, हमारी जो नब्ज है वो अभी उसमें खून जमता जा रहा है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, यानी फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने हमारे जो बढ़ते कदम है दुश्मनों की ओर, जो भारत माता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उन कदमों को हमने रुकने नहीं दिया। भले ही हमारी नब्ज जो है वो जमती जाए, हमारी सांस रुकती जाए, लेकिन हमने अपने बढ़ते कदम जो है दुश्मनों की ओर वो रुकने नहीं दिए। इसके बाद दो लाइनें हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक जो है वो ये कह रहे हैं कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अगर हमारे सर जो है वो भारत माता की रक्षा के लिए अगर कट भी जाए तो हमें उस बात का कुछ भी, थोड़ा सा भी गम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारा सर कट भी गया तो भारत माता की रक्षा में कटेगा, यानी हम शहीद होंगे जिसका हमें गर्व है। तो यहाँ कहा गया कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ये जो हमारा हिमालय है जिसे हम भारत देश का सर मानते हैं, जिसे हम झुकने नहीं देंगे, यानी सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने जो है वो हिमालय रूपी भारत माता का जो सर है उसे झुकने नहीं दिया, चाहे भले हमने अपनी जान दे दी, न्योछावर कर दिया हमारा शरीर जो है, जान जो है, लेकिन हमने भारत माता का सर झुकने नहीं दिया। इसके बाद दो लाइनें हैं कि मरते मरते रहा बाप पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ एक शब्द आया है बाप पन, उसका मतलब होता है वीरता का भाव। यहाँ इस पंक्तियों में जो शब्द आया है बापन, उसका मतलब होता है वीरता का भाव। तो यहां दो लाइन में कहा गया है कि मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी सैनिक जो है वो कह रहे हैं हमें, मतलब साथियों जो एक शब्द प्रयोग किया गया है वो भारतवासियों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी हम अभी मर रहे हैं तो मरते मरते भी जो वीरता का भाव है वो हमारे अंदर अभी भी है, मरते समय भी। तो वो कह रहे हैं कि साथियों मरते मरते भी हमारे अंदर जो वीरता का भाव है वो अभी भी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी जब हम शहीद हो रहे हैं, जब हम शहीद हो चुके, जब हमारे अंदर जान नहीं रहेगी, जीव नहीं रहेगा, तब ये जो वतन है वो आपके हवाले है। यानी अब हमारे जाने के बाद इस भारत माता की रक्षा आपको ही करनी है। इसके आगे है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। यहां कवि कैफी आजमी ने कहा है सैनिकों के द्वारा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, अभी आप समझ लो कि ये सैनिकों के भाव है, जो सैनिक अपनी जान भारत माता के लिए न्योछावर कर रहे हैं तो वो
जब उनकी अंतिम सांसें चल रही है, कभी के ये भाव है। उन्होंने कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। सैनिकों ने कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, जिंदा रहने के लिए तो बहुत समय है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तो जिंदा रहने के लिए तो मौसम बहुत सारे आए हैं, जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। ऋतु का मतलब होता है ऋतु, मौसम। ये जो रुत शब्द है उसका मतलब होता है ऋतु, मौसम। तो यहां कहा गया कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। यानी ये जो अभी हम भारत माता के लिए अपना अपनी जान जो है, अपना जीव जो है, वो न्योछावर कर रहे हैं, हम शहीद हो रहे हैं, ऐसा मौसम, ऐसी ऋतु जो है वो रोज नहीं आती, ऐसा मौका रोज नहीं मिलता कि हम भारत माता के लिए अपनी जान दे सके। हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यानी यहां हुस्न शब्द जो है उसका मतलब होता है सुंदरता। हुस्न शब्द जो है उसका मतलब होता है सुंदरता। तो यहां कहा गया कि हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करे, रुस्वा का मतलब होता है बदनाम। दो शब्द यहां पर आए हैं, हुस्न जिसका मतलब होता है सुंदरता और रुस्वा जिसका मतलब होता है बदनाम। तो यहां दो पंक्तियों में कहा गया कि हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहां पर कवि कैफी आदमी जो है वो सैनिकों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करें। हुस्न जो है सुंदरता जो है, और इश्क मतलब प्रेम जो है, वो दोनों आप रुस्वा कर रहे हो, मतलब बदनाम कर रहे हो, इसको आप बदनाम कर रहे हो। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, जवानी वही है जिसे असल में जवानी कहते हैं। तो वो जवानी जब आप भारत माता के लिए कुछ करते हो, देश के लिए कुछ करते हो, जब आप खून से लथपथ होते हो, तभी वो जवानी जो है वो सार्थक है। बाकी आजकल जो लोग हुस्न की मतलब सुंदरता की और इश्क की प्रेम की बातें कर रहे हैं, वो समझ लो एक तरह से वो हुस्न को और प्रेम को रुस्वा कर रहे हैं, मतलब बदनाम कर रहे हैं। यानी उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसे गलत दिखा रहे हैं। असल में जवानी वही होती है जो खून से नहाती है, जो भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, जो देशभक्ति के लिए, जो पूरा शरीर खून से लथपथ होता है, तभी जवानी को सार्थक माना जाता है। इसके आगे दो लाइनें हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी आज हमने दुश्मनों से इस धरती को बचाया है, आज इस धरती को दुल्हन की तरह सजा के आपको दिया है, तो अब ये जो वतन है, ये जो भारत माता है, वो आपके हवाले है, आपको हम सौंप के जाते हैं। क्योंकि दुश्मनों का हाथ तो हमने इस पर लगने नहीं दिया, इसको हमने दुल्हन की तरह सजा के आपको दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि ये वतन जो है वो अब आपके हवाले है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह जो है, रास्ता जो है, वो कुर्बानियों का यानी बलिदान का है। कुर्बानी मतलब होता है बलिदान। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, यानी जो हम बलिदान दे रहे हैं, हमारे बाद भी अगर देश पर कोई खतरा आता है, दुश्मनों का हमला होता है, तो ये जो रास्ता है हमारा, वो रास्ता जो है, राह जो है कुर्बानियों की, वो कभी वीरान, वीरान का मतलब होता है सुनसान, ये कभी रास्ता वीरान नहीं होना चाहिए। अभी हम नहीं रहे तो हमारे बाद आप भारतवासी, भारत माता की रक्षा करोगे, लेकिन ये जो
रास्ता है, राह है, वो कभी वीरान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम यानी भारतवासी हम सब, वो कह रहे हैं, सैनिक कह रहे हैं कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, हमारे बाद अगर जरूरत पड़ती है तो आप इन्हीं रास्तों पर इन्हीं काफिलों को, काफिला कहा जाता है समूह को, एक साथ जो बड़ा ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको काफिला कहा जाता है। तो आप इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं राह पर काफियों को लेकर आना, समूहों को लेकर आना, और इन्हीं रास्तों पर आप सजाते रहना और दुश्मनों से देश की रक्षा करना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह मतलब जीत, फतह का मतलब होता है जीत। फतह का मतलब होता है जीत। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जश्न मतलब खुशी, जश्न मनाते हैं यानी खुशी मनाते हैं। तो यहां सैनिक जो है वो कह रहे हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जीत का जश्न जो है, जीत की खुशी जो है वो इस खुशी के बाद है। इस खुशी मतलब कौन सी खुशी? जिंदगी मौत से मिल रही है गले। ये जो हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, वो मौत से गले मिल रहा है अभी। यानी सैनिक जो है वो कहना चाहते हैं कि ये जो जीत का जश्न है, फतह का जश्न है, वो तो भारतवासी लोग, आप सब लोग मनाओगे, लेकिन हमारे लिए जो जश्न अभी है मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए है, तो वो है शहीदी। हम जो ये शहीद हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा जश्न है कि हमने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, जान दी है। तो इसीलिए ये दो पंक्तियों में यहाँ पे कहा गया है सैनिकों के द्वारा कि फतह का जश्न मतलब ये जीत का जो जश्न है वो तो बाद में मनाया जाएगा, ये बाद का जश्न है जो भारतवासी मनाएंगे लोग, लेकिन हमारे लिए तो अभी जो जश्न है, जो खुशी मनाने का समय है, वो ये है कि हमारी जिंदगी जो है अभी मौत को गले लगा रही है। यानी हमारा जश्न आपके जश्न से पहले है, भारतवासी के जीत के जश्न से पहले है कि हम भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी सैनिक जो है वो कह रहे हैं कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन मतलब मृत्यु के बाद जो कपड़ा है ऊपर ओढ़ाया जाता है, उसे कफन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि साथियों, है भारतवासियों, आप अपने सर पर कफन बांध लो, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि अब ये जो भारत माता है, हमारा वतन है, हमारी मातृभूमि है, वो आपके हवाले है। तो आप अपने सर पर कफन बांध के रखो कि अगर कभी भी देश की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। अब ये दो पंक्तियां हैं, उसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, और इसमें पौराणिक जो पात्र है रामायण के, उसके नाम लेकर यहां समझाया गया है कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। आपको लकीर जो है, रेखा, लकीर मतलब लाइन, रेखा, रेखा खींचने के लिए कहा है कि जमीन पर अपने खून से, अपना खून देकर भी अपने खून से जमीन पर एक लकीर बना लो, एक सीमा, एक रेखा बना लो। इस तरह आने पाए ना रावण कोई, यानी इस तरह कोई भी रावण, रावण यानी हमारा दुश्मन, रावण यानी हमारे भारत का दुश्मन, तो इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। यानी आप अपने खून से, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, खून से लथपथ होना पड़े, आप अपने खून से एक रेखा, लक्ष्मण रेखा की तरह खींच दो, ताकि हमारा दुश्मन जो है रावण, वो यहाँ पर आने ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई भी हाथ भारत माता की ओर उठता है, तो सैनिकों ने कहा है कि उस हाथ को आप
उठने से पहले ही तोड़ दो, काट डालो, तोड़ दो हाथ। अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता मतलब रामायण का पौराणिक पात्र है, लेकिन यहाँ पर सीता मतलब हमारी भारत माता, सीता माता की तरह हमारी भारत माता। तो यहाँ कहा गया कि तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता का दामन कोई। दामन मतलब साड़ी का पल्लू, इज्जत। तो कोई भी दुश्मन, जो रावण रूपी दुश्मन है, हमारा दुश्मन मतलब रावण, जो रावण रूपी दुश्मन है, वो हमारी सीता का दामन छू ना पाए, मतलब हमारी भारत माता का दामन छू ना पाए। अगर कोई हाथ अगर दामन को छूने के लिए उठते हैं, तो वो दुश्मन जो है, वो रावण जो है, उसके हाथ आप उठने से पहले काट डालो, तोड़ डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी। अब हमको कहा है, भारतवासियों को कहा है कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी, यानी हम ही राम है जो रावण को मारा था, और हम ही लक्ष्मण है जिन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची। तो इसीलिए यहाँ कवि कैफी आदमी ने सैनिकों के माध्यम से कहा है कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। यानी हम भारतवासियों में से ही कोई राम होगा जो रावण को मारेगा, और हमारे भारतवासियों में से ही कोई लक्ष्मण होगा जो अपने लक्ष्मण रेखा खींचेगा, ताकि दुश्मन रूपी रावण जो है वो हमारे देश में, यानी हमारी भारत माता सीता माता का दामन छू ना पाए। इसलिए कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी साथियों मतलब हम भारतवासी। अब सैनिक जो है वो तो शहीद हो चुके हैं, अपनी जान न्योछावर कर चुके हैं, लेकिन अब ये वतन जो है वो हमारे हवाले है, और हम में से ही कोई राम है, हम में से ही कोई लक्ष्मण है, और यही भारत माता जो है वो सीता माता के रूप में है। यानी अगर कोई दुश्मन हमारी इज्जत पर, यानी हमारी भारत माता पर कोई हाथ उठाता है या हाथ डालता है, तो हम में से ही कोई लक्ष्मण है जो लक्ष्मण रेखा खींचेगा, और हम में से ही कोई भगवान श्री राम की तरह होगा जो दुश्मन रूपी रावण का विनाश करेगा, उसे मारेगा। तो यहाँ आशा करता हूँ कि आप इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे, इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको अच्छे से लिखोगे, और बार बार ये वीडियो देखोगे और समझोगे। धन्यवाद।